सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग अक्सर कहते हो ना कि भाई एडिटिंग बता दो, तो आज मैं ना आपको मिनी व्लॉग की एडिटिंग बताने वाला हूँ कि मिनी व्लॉग शॉर्ट व्लॉग जो होते हैं वो कैसे एडिट किए जाते हैं इन जस्ट 10 टू 15 सेकेंड्स। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई भी इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 10 से 15 सेकेंड में आप अपने मिनी व्लॉग शॉर्ट व्लॉग को सिंपली तरीके से एडिट कर पाओगे। एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ भाई, ऐसा तरीका ना अभी तक गजब का तरीका कोई भी YouTube में बताया नहीं होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ वही तरीका। तो यार पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग बोले थे भाई आप मतलब ब्लॉग ना बना के टेक की टिप्स दे दो, मतलब ब्लॉग बनाने की टिप्स दे दो, तो मैंने वही सोच करके ये वीडियो बनाया। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो को लाइक करना, हो सके तो जितना ज्यादा शेयर करोगे तो ज्यादा लोगों तक जाएगा, क्योंकि ऐसी ट्रिक ना मतलब बहुत ही रेयर केस में लोग बता देते हैं, बट बताता जल्दी कोई भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को बता दी जाए। तो मैं तुम लोग को इसमें वही मिनी शॉर्ट व्लॉग की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही आराम से आप लोग सीख पाओगे। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। अभी ना मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ, और आपको सबसे पहले नीचे जाना है और डाउनलोड कर लेना है वीटा एप्लीकेशन। वीटा एक एडिटिंग ऐप है जिसको आप इजीली यूज कर पाओगे। तो देखो मैं वीटा ऐप को ओपन कर लेता हूँ। सिंपली इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको वीटा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अब आपको शॉर्ट व्लॉग्स को एडिट कैसे करना है, अगर आपने शॉर्ट व्लॉग की क्लिप्स को रिकॉर्ड करके रख रखा है ऑलरेडी, तो आपको सिंपली करना क्या है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देन आपको वीडियोस अपनी सिंपली सेलेक्ट करनी है। तो आप अपनी वीडियोस को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। आपके छोटी छोटी जितने भी क्लिप्स हैं उन सारी क्लिप्स को लाइन से करके आपको एक एक करके सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। एक एक करके छोटी छोटी जो भी आपकी शॉर्ट वीडियो की क्लिप्स हैं उन सबको आप सिंपली से इस तरीके से कुछ ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर एक एरो दिख जाएगा, उस एरो पे आपको क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपकी जो वीडियोज़ हैं वो पूरी लोड हो जाएंगी। देखिए आपको बहुत ही ईजी तरीका मैं सिखाने वाला हूँ, इन जस्ट 5 to 10 सेकेंड में एडिटिंग आपकी हो करके आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे में आपको स्क्रॉल करके इस साइड राइट साइड पे जाना है। यहाँ पर आपको रेशियो का ऑप्शन मिलेगा, रेशियो में जा करके आपको सेलेक्ट करना है जो कि मिनी ब्लॉक का रेशियो होता है हमारा 9:16 रेशियो। तो इसको आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना और टिक पर क्लिक कर देना है। टिक पर क्लिक करने के बाद अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसमें से कोई क्लिप खराब लग रही है तो उसको सिंपली सा कट कर लीजिए, ज़्यादा मत रखिए। तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया और फ्रॉम नाउ यानी स्टार्टिंग की मुझे कट करनी है तो मैंने फ्रॉम नाउ पे क्लिक कर दिया। अगर मुझे किसी चीज़ को बीच से अलग करना है तो मैंने स्प्लिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर मेरे को राइट साइड की चीज़ कट करनी है तो इस लाइन को वहाँ पर रख के मैंने अनटिल नाउ पे क्लिक कर दिया। इस तरीके से आप अपनी क्लिप्स को कट कर सकते हैं, कहीं से बीच से भी या किनारे से या राइट साइड से कहीं से भी इजीली कट कर सकते हो। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपकी एडिटिंग जो है बहुत ही जल्दी सारे फिल्टर्स यानी फिल्टर एनिमेशन सब कुछ लिख करके आ जाए। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढना है, ऑप्शन होगा ये स्टाइल नाम का, ठीक है। इस स्टाइल नाम के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। स्टाइल नाम के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके क्या करना है, ब्लॉग वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। ब्लॉग वाला ऑप्शन चूज करने के बाद आप यहां से कोई भी एक पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सबसे पहले ट्रैवल मेमोरीज वाला सेलेक्ट करें, तो मैं ट्रैवल मेमोरीज वाला सेलेक्ट कर लेता हूं। अप्लाइंग आई स्टाइल लिख करके आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन जस्ट 10 सेकेंड 15 सेकेंड के आसपास का टाइम लगेगा, तो वो हो जाने दीजिए। उसके बाद देखिएगा आपकी वीडियो जो है पूरी रेडी होकर के तैयार हो जाएगी। तो देखिए मेरी जो वीडियो है वो पूरी तरीके से रेडी होकर के तैयार हो चुकी है। ये देखो किस तरीके की वीडियो मेरी बनी हुई है, देख सकते हो सारी एडिटिंग वगैरह लग चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की वीडियो बनी हुई है। कुछ इस तरीके की आपकी वीडियो ऑटोमेटिक एडिट होके आ जाएगी, साथ में म्यूजिक भी लग जाएगा। अगर आपको म्यूजिक नहीं चाहिए तो आप सिंपली सा म्यूजिक में क्लिक करिए, ये देखिए म्यूजिक है, इसको नीचे जा करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते अपनी वॉइस डालना यानी अपनी बैकग्राउंड में आप जो बोलते हैं कि मैंने क्या किया, किस तरीके से किया शॉर्ट व्लॉग में, तो आप क्यों करना है, यहीं पर सिंपली करना क्या है, यहाँ पर नीचे आपको जाना है। नीचे जाने के बाद आपको साउंड का ऑप्शन मिलेगा, इस साउंड के ऑप्शन में जाने के बाद आपको रिकॉर्ड में क्लिक करना है, और यहाँ पर सिंपली रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस को आप वॉइस ओवर दे करके रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद आपकी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी। तो गाइस कैसा लगा ये आइडिया ये बता दो। उसके बाद अगर आपको
पूरा ट्यूटोरियल चाहिए एडिटिंग का व्लॉग से रिलेटेड वीटा ऐप में, तो कमेंट करके जरूर से बताना, आपको मैं बहुत इजी तरीके से सिखा दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको मिनी शॉर्ट व्लॉग एडिट करना है। और एक चीज आप कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा कि आपको इस चैनल पे टेक की वीडियोस ही चाहिए, यानी व्लॉग रिलेटेड टिप्स ही चाहिए, या फिर मेरे व्लॉग्स भी चाहिए, या फिर दोनों चाहिए, आप कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।